फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर जो चाहो और ना मिले, अगर जो चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और ही अच्छा लिखा है तकदीर में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज हम इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में कि नवंबर से किस तरह से तैयारी शुरू करना है। जिन्होंने नहीं कर रखा, जिन्होंने कर भी रखा है, उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा बच्चे लोग पूछते हैं। सर पढ़ तो रहे हैं 10-10 घंटा, लेकिन अंदर में ना वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कितना पढ़ाऊं, मतलब क्या पढ़ाऊं, मतलब एकदम हल्का फल्का लग रहा, बेकार लग रहा कि जितना भी पढ़ रहा हूं मजा नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो नए बच्चे हो, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा रखा, मतलब कोरा कागज नहीं है, वो पढ़ाई होगा कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन थोड़ा डल होगा, तैयारी से नहीं हो पाई होगी, उसके लिए भी, और जिन्होंने कर भी रखा उसके लिए भी एक थोड़ा सा देर के लिए वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं तो बोलूंगा भाई 90% आएगा पक्का, लेकिन ये मतलब 90% मतलब 450 मार्क्स। तो इसके पीछे बस एक कारण है, वो है मेहनत। मेहनत, अगर आप मेहनत के लिए करने के लिए तैयार हो तो वीडियो के लिए अभी से देखना शुरू कर दो, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुरंत इस वीडियो को कट कर दो और आराम से जाके सो जाइए, ठीक है ना। तो आप मेहनत के लिए करने के लिए तैयार है, नीचे जल्दी से कमेंट करना। तो मेहनत करोगे तभी आएगा, बिल्कुल। ये बिहार बोर्ड से, अगर आपका ताल्लुक बिहार बोर्ड से है तो बिहार में कुछ भी संभव हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी संभव हो सकता है। 450 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं, तुम बिहार से हो तो, बिहार बोर्ड से हो तो, अगर किसी और बोर्ड से हो तो भाई साहब वहां का सिलेबस मुझे उतना पता नहीं, लेकिन बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, बहुत बेस्ट बताने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, एक नंबर दो नंबर पांच नंबर, आई थिंक सभी लोग ने एक इसको पूरा कर ही लिया होगा, और सब लोग जान रहे हैं बिहार बोर्ड में किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपके लिए तो मैं हमेशा क्लास करवाता रहा हूं, लेकिन आपको ना इस पे फोकस करना, इस पे तीनों पे फोकस करना, लेकिन सबसे ज्यादा आप सिर्फ ये दोनों पे फोकस करते हो, सिर्फ ये दोनों पे फोकस करते हो तो आपका 80% कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। 10% और बढ़ाना आपको इसमें से, हालांकि 20% चाहिए, लेकिन 10% कुछ कर लो तो 5 नंबर भी आ जाएगा। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला, ट्रिक बताने वाला, दिमाग लगाने वाला हूं कि कैसे पढ़ना आपको। आपके पास गाइड होगा, कोई भी गाइड ले लो, कोई भी पर्कशन गाइड ले लो, जो आपने लिया है, ले रखा है, वीडियो बना रहे इतना, है ना। तो आपको इसको तो खैर कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव क्या करना, रिविजन करना। एक बात ध्यान से सुने मेरे प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव 60 आए या 100 आए, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है सर इस बार ऑब्जेक्टिव कितना आए। कितनों भी ऑब्जेक्टिव आए, आपके दिमाग में यह बात होना चाहिए कि भाई साहब हमको तो जितना क्राइटेरिया उतना पूरा करना है, ज्यादा भी आएगा तो ज्यादा आने से एक बेनिफिट है कि जो हार्ड उसको छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपने आप को इतना काबिल बना लो कि कम से कम 40, साइंस में 40 बना पाए, मैथ में 50 बना पाए, इतना काबिल अपने आप बना लो पहले, ठीक। सवाल जितना भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इतना पढ़ना, इतना 40 क्वेश्चन बनाने के लिए हमको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव आप तो पढ़ रहे हो, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव को कॉपी पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखो, किताब में है उसको पढ़ो, रिवीजन करो, वो काफी है। लिखना ही अगर है तो आप 2 नंबर वाला सवाल को लिखो, 5 नंबर सवाल को, ये दोनों को तुम लिख लिख के याद करो। अब आपका सवाल आता है सर किस टाइम पर, टाइम टेबल भी आप पूछते हो, तो चलो मैं थोड़ा बताता हूं। एक बात ध्यान से दो, जो याद करने वाला जो सवाल है, जिसको आपको याद करना है, जैसे लॉन्ग सवाल हो गया साइंस का, सोशल का, जो भी चैप्टर का लॉन्ग सवाल हो, उसको याद करने का रूटीन बनाओ अपने हिसाब से, मॉर्निंग में याद करने का कि आज ये करना है, आज परसों वो करना, कल वो करना, ऐसे करके, ठीक है ना। जो लॉन्ग सवाल है उसको सुबह, चूंकि सुबह का टाइम पूरा फ्रेश माइंड होता है, आराम से शाम को जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, मतलब ऐसा नहीं कि देर से सोना है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने का टाइम आपको बनाना है, सुबह टाइम याद करने का बनाना है। मैथ वगैरह बनाने का अगर टाइम आप चाहते हो तो शाम को बनाओ, रात को बनाओ, मतलब 10 बजे तक तो अमूमन हर कोई पढ़ेगा, है ना। सेकेंड टाइम में मैथ वगैरह बनाओ, ठीक है, बाकी और कुछ मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जो भी करना करो, लेकिन याद करने का सुबह का टाइम रखो, और मैथ वगैरह बनाने का थोड़ा सा अंधेरा हो जाए आराम से उस समय बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मैंने बताते रहता हूँ, बार बार मैं बताता हूँ। अब देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ आपको करना क्या है। जब आपको ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, अब तो टाइम आपके पास बचा नहीं, नवंबर दिसंबर, जनवरी तो रिहर्सल होगा, है ना। तो चलो जनवरी भी अगर ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं, दो आप जितना जल्दी फास्ट पढ़ सकते हो, जितना जल्दी खत्म कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो करना क्या होगा जी, देखो करना ये होगा कि आपको डेली ऑब्जेक्टिव
पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने जितना पढ़ रखा है उसका मॉडल सेट अगर आपको मिलता है तो मॉडल सेट बनाइए। मॉडल सेट बनाने से होगा कि आप जितना पढ़े उतना सवाल तो बना पाएंगे ना। अब आप सोचे सर पूरा सिलेबस खत्म होगा तब ना सर एगो चैप्टर बाकी है उला पढ़ लेंगे तब ना हम मॉडल सेट बनाएंगे, अभी तो पढ़वे नहीं किए हैं तो कैसे बनाएंगे मॉडल सेट। तो आप ऐसे करते रह जाओगे तो कल एग्जाम होगा, आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज होगा तो ऐसे में फिर खत्म हो जाएगा। यार तुमने अगर 80% पढ़ लिया तो 80% का सवाल हल करेंगे, लेकिन सवाल हल होना चाहिए। आपने पूरा अगर 5 चैप्टर पढ़ा तो 5 चैप्टर से अगर सवाल आता है तो उसका हल होना चाहिए, तब जानेंगे आप रियली में आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसको बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन बैंक बनाओ। क्वेश्चन बैंक सर क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बता रहा हूं मॉडल सेट आपको बनाना है, एक तो मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड निकालती है ना, आपके लिए मैं बताऊंगा लास्ट में कि बिहार बोर्ड ने जो पहले मॉडल सेट निकाला 15 में 16 में 17 18 19 20 22 21 सबका मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, वो अब फ्री में मिलने वाला, ठीक है ना, उसको बनाना, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसको बनाना, इतना बनाना। फिर आप मार्केट में दुनिया भर का मॉडल सेट आया हुआ अलग अलग कंपनी का, उसको बनाना, ठीक है ना। टेस्ट वगैरह डेली देना है, तो इसके लिए मैं आपको तो कहते रहता हूं। चलिए अब करना क्या होगा, देखो अपने कॉपी में एक चार्ट बनाओ ऐसा, ठीक है। हम यहां पे एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये कॉपी में चार बना। अब जो बच्चे पढ़ लिए वो भी बनाना, जिसका कंप्लीट है वो भी बनाना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जैसे मैं आपको एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश का परावर्तन का क्या आपने ऑल ए टू जेड ऑब्जेक्टिव आपको याद है, समझ में आता है, बना लेते हैं, यस सर, तो आपको कॉपी में यस का टिक लगा देना है। अगर नहीं बना है तो भाई साहब उसको पहले कंप्लीट करो, और ये टिक लगना चाहिए कॉपी में, ठीक है ना, सबको कॉपी में ये वाला टिक लगना चाहिए। उसके बाद क्या आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का 2 नंबर वाला सवाल याद कर लिया, तो यस सर याद कर लिया, नहीं तो फिर 5 नंबर वाला याद नहीं किया तो नहीं कर देना है। अब इसको अगर याद, ये तो टिक ही नहीं लगाना, छोड़ देना है, याद करेंगे तब टिक लगा, कटकुट तो करना ही नहीं है इसमें, जो याद होगा उसमें टिक लगाएंगे, जो याद नहीं होगा उसको कटकुट कुछ नहीं करना, छोड़ देना, खाली जगह करना है, ताकि आपके दिमाग में रहे हाँ भाई तो मेरा कंप्लीट है, अब उसको करना है, टारगेट आपका वो रहेगा ना, जो खाली उसको टारगेट करने पूरे रहेगा। एक बात यहां से क्या होगा, त्रिकोणमिति पढ़े या सर 1 नंबर पूरा बना लेते हैं, हम 2 नंबर भी बना लेते हैं, तो इससे होगा क्या ना, जब आपको मन नहीं करेगा ना, जब आपको लगा सर आप कुछ तो पढ़े नहीं, क्या कॉपी उलट के देख लेना, अरे ये तो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैंने पढ़ लिया, ओ माय गॉड ये तो पढ़ लिया, तो आपके अंदर इतना एकदम हाई लेवल वाला, अच्छा लेवल वाला कॉन्फिडेंस आने वाला है। फिर जो चैप्टर बाकी है उससे आपका अंदाजा मिलेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। जो आपके दिमाग में सवाल होता है सर क्या पढ़े, समझ में नहीं आ रहा, हिंदी पढ़े कि कभी साइंस पढ़ ले, कभी मैथ पढ़ ले, कभी उर्दू पढ़ ले, कभी संस्कृत पढ़ ले, पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो इससे आपको एक रियल वे में जाओगे, और आपका ये सोचने में टाइम किल नहीं होगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा, कि आप सोचने में टाइम लगा दे रहे हो आधा घंटा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये वो आउल झोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब तुम्हारे पास रहेगा अभी से बनाना शुरू करो, एक दिन में आप बना लो, तुम अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट भी है फिर भी तुम इसको बनाओ, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे कि हम ये कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो ये आपको बना लीजिएगा। एक सवाल आपके पास बहुत बार सवाल मेरे को आता है कि सर क्या करना है, देखिए ये सब आपको ध्यान से देखिए, अब एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, 400 नंबर 90 नंबर लाना है, तो उसके लिए आपका कॉपी लिखने का स्टाइल वो सही होना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा कि आपने कॉपी कैसे लिखना है। जितना अच्छे तरीके से लिखोगे कॉपी, जितना बेस्ट तरीके से कॉपी लिखोगे उतना आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉपी देखता है तभी इंप्रेशन बढ़ता है टीचर का, ठीक है, जो कॉपी चेक कर दे एग्जामिनर, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ लेना ही नहीं, सबको काबिलियत है, आपको टाइम पे कॉपी लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, कि जैसे मॉडल सेट आप बनाओगे ना, तो मॉडल सेट का 2.5 घंटा टाइम है, तो 2.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं बना पाते, ये आपको टारगेट लिख चलना है। आप एक दिन में बनाओ, 3 दिन में 1 ठो मॉडल सेट बनाओ, 4 दिन में 1 ठो मॉडल सेट बनाओ, या तो डेली होता है डेली बनाओ, जैसा आपको पॉसिबिलिटी होता है वैसा बनाइए, लेकिन आपको टाइम लेके चलना है, कितना टाइम में बनाना है तो बनाना है, क्योंकि आप जब यहाँ पे टाइम ले रहे हो एग्जाम में, और जब आपको एकदम हड़बड़ी होगा, ढेर सारा बच्चे रहेंगे, टीचर रहेंगे, नए नए जगह जाओगे, है ना, बोले रे चेकिंग करने के लिए आ रहा, बंद करो चिट्टा निकालो, बहुत कुछ, तो आपको माइंड वहां पे डाइवर्ट होगा, तो आपका लिखने का बनाने का एक्सपीरियंस जितना बेस्ट होगा ना, वो आपका कॉपी डिसाइड कर लेगा कितना नंबर आने का, ठीक है। समय को बर्बाद तो करने नहीं करने हैं, क्योंकि समय तुम्हारा लिए एकदम कीमती समय है, ठीक है। कम से कम 6 से 7 घंटा मेरे तरफ से, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी, एकदम मोबाइल जो है ना, मोबाइल को फ्लैट मोड करके साइड कर दो, एकदम सेल्फ स्टडी जो कर, एकदम 6 से 7 घंटा कम से कम आपको पढ़ना है,
उसके बाद आप YouTube पे पढ़ते हो, मेरी क्लास देखते हो, और किसी क्लास देखते हो, YouTube पे पढ़ते हो, कोचिंग जाते हो, वो सब बाद में एक्स्ट्रा में। लेकिन सेल्फ स्टडी आपको 6 से 7 घंटा पढ़ना है। अब आपका टाइम आपको खुद मैनेज करना कि हमको कितना टाइम टाइम मिलता है उस टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। कम से कम पढ़ना जरूरी, क्योंकि आपको सब्जेक्ट खुद से याद करना पड़ेगा, मैथ आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ये तो ऑनलाइन तो मैं तो आप सिखाता हूं ना कैसे बनाना है, तो कैसे बनाना है सीखना है यहां पर आकर के, प्रैक्टिस जरूर करना आकर के यहां पर, लेकिन अपने से भी प्रैक्टिस करना यहां पर है ना, क्योंकि यहां पर कम टाइम है, अलग अलग टाइप का मैं क्वेश्चन लाते रहता हूं, है कि नहीं। तो आपको किताब में है तो उसको बनाओगे, उसको पढ़ोगे, याद करोगे। तो आप ज्यादा फोकस करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का, 2 नंबर और 5 नंबर में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि 1 नंबर तो क्लियर हो जाता है लाइव क्लास में, मॉडल सेट बनाने में क्लियर हो जाता है, तो इस पे ज्यादा फोकस करो, है ना, सब्जेक्टिव पे। सेल्फ स्टडी टाइम सोशल मीडिया से एकदम दूर रहो, है ना, जितना अच्छा रहे दूर रहो, ये आपके लिए वरदान है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको बताते हैं कि यार देखो आपके पास टाइम बहुत कम है, अब आप जान रहे हैं क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, एक चार्ट बनाओ। जो नए सिरे बच्चे हो वो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जितना ज्यादा ज्यादा तुम पढ़ सकते हो, मैंने 6-7 घंटा पढ़ा, आप 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा, जितना घंटा पढ़ो। लेकिन अगर लाना है 450 मैंने बोल दिया यार, अगर आपको 350 भी लाना है तो पढ़ना होगा, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ना होगा, है ना। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि हार मान लीजिएगा ना तो फिर बोलता कि आदमी मेहनत नहीं करता तो अलग बात है, लेकिन दिमाग में ठान लेता है ना कि हमको नहीं करना, तो वो बहुत बेकार तक चीज हो जाता है। इसलिए दिमाग में मत ठानो कि हमको कुछ नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। हम जब पैदा हुए थे तो भी वहां पे भी कंपटीशन चल के आया था, आपको पता है ना पिता के शुक्राणु में कितना सारा शुक्राणु होता है, तो एक ही शुक्राणु जो माँ के अंडाणु में टच हुआ था और वो हम ही बने थे ना, हम ही आप तो बने थे ना वो, तो कितना बड़ा कंपटीशन जीते थे पता है, लाखों में शुक्राणु था वहां पे, और एक ही शुक्राणु जो हम और आप अभी दुनिया में है वो माँ के अंडाणु में गए थे तब जाके हम बने हैं। तो हम पैदा हुए थे नहीं, उसी टाइम इतना बड़ा कंपटीशन जीत लिए थे, ओ माय गॉड, लाखों में कंपटीशन जीत लिए थे। तुम तो यहाँ पे कुछ नहीं हो, हाँ यहाँ पे तो सब कुछ तुम्हारे पास मुहैया है, तो ये कंपटीशन तुम हार नहीं सकते हो। तुम्हारा ये माइंड तो बोलता है ना कि कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो, तो याद करो तुमने पहले पैदा हो दुनिया माने से पहले तुमने बहुत बड़ा कंपटीशन जीता था, जिस टाइम तुम्हारे पास दिमाग भी काम नहीं करता था, चलने भी नहीं आता था, खाने भी नहीं आता था, बोलने भी नहीं आता था, लिखने भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करना आता था, तब तुमने जो है बहुत बड़ा कंपटीशन जीता है। सब ने, हम सभी दुनिया वालों सभी ने कंपटीशन जीता है, तो ये क्या है, दुनियावी चीज क्या है, ये तो आराम से जीत सकते हैं। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ डियर कि आपको जो मॉडल सेट पढ़ना है, मैं आपके लिए फ्री में मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक सब अवेलेबल करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है aaonlinesolutionofficial.com। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना, देखिए aaonlinesolutionofficial.com सर्च करना है, यहाँ पे ओपन करना है। ओके, ओपन करते ही आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट वगैरह होते रहता है, चैप्टर वाइज भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए इसमें ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नीचे भी बना हुआ है, नीचे भी देखिए बन रहा है, इसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बावजूद आप चाहते हो टेस्ट देने के लिए तो डेली टेस्ट यहाँ पे जाओगे, टेस्ट वगैरह होते रहते, बहुत सारा टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, 33 गो 34 गो दुनिया में इतना टेस्ट मेरे ख्याल से आपको कहीं प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। बहुत सारा टेस्ट पड़ा हुआ, 1 रुपये नहीं खर्च होगा, आपका इनहेंस होगा और रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। चलो अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या, मॉडल सेट वगैरह देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट, तो हम मॉडल सेट ओपन करते हैं, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, एक मिनट खुलने दो, ऐड को काट दिए। देखो मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर मैंने बना दिया, जैसे मैं साइंस का ओपन करता हूँ, ठीक है। देखिए ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर भी है और मेरे तरफ से भी लॉन्च किया हुआ मॉडल पेपर है, ठीक है ना, अपना चैनल के द्वारा। देखिए मॉडल पेपर हो गया, यहाँ पे ये मॉडल पेपर हो गया, जैसे मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना उसका मॉडल पेपर, यहाँ पे पीडीएफ भी डाल दिया हूँ, कुछ कुछ अभी और डालूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, देखिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल मैट्रिक साइंस सैंपल पेपर मॉडल पेपर जो भी बोलो पिछले साल का, तो यहाँ पे जिसका जिसका मेरे पास अवेलेबल हो पाए ना, देखो 2012 का 2021 का पीडीएफ मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं एक वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देख लेना, है ना, और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। हो गया क्या, हो गया भाई पीडीएफ, हो गया क्या जी, हो जाएगा मोबाइल में, हो जाएगा पीडीएफ। अच्छा यहाँ पे खुलने रहा, हाँ खुल रहा, ओके खुल रहा पीडीएफ, देखो आ गया, देख रहे ना क्या जादू है, देख रहे पूरा गया मॉडल पेपर, तो पूरा मॉडल पेपर बनाओ जाके, तुम्हारे लिए सब फ्री मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक भी इसी तरह है, तो ये बेस्ट तुम्हारे लिए रहेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको ना नवंबर से करने का प्लान बन गया, किस तरह से स्ट्रेटजी करना है, ये आपको मैंने आधार बता दिया, अब इस पर चलने का काम आपको है,
ठीक है ना। तो आई होप आपको इस पे फॉलो करने की जरूरत है। और आप लोग जितने सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो वो मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने मैंने जो आपको चार्ट बताया ना ये चार्ट बनाने का, प्लीज ये चार्ट सभी लोग बनाना, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चे बनाते हैं, और बना करके मेरे को ये नंबर पे सेंड करना 8210 42 32 00। अगर आप नहीं कर पाते हो सेंड तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, यस सर मैं 100% प्रोमिस के साथ बोलता हूँ कि इसको वो चार्ट को मैं बनाऊंगा, चाहे लो वाला बच्चा हो चाहे हाई वाला बच्चा हो, ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरी बातों को फॉलो आप करो करें। रियली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके पढ़ने का ना वो एक अलग ही लेवल पैदा होगा, ठीक है ना, ताकि आप पूरा बेस्ट दे पाओगे अपना, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, नीचे कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली क्लासेस चलती है वो क्लास भी ज्वाइन करना, ओके। तो फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं, अपना प्यार देना, कमेंट करना, लाइक करना, ओके डियर, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, ओके जी, बाय।